वेलकम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डू डू। तो भाई लोग, आज हम सुनने वाले हैं चनके का गाना जिसका नाम है जो मुझे दिखे। तो हाँ भाई, जब ये गाना आया तो मुझे को पता था कि कब गाना आया, लेकिन भाई माहौल जो था ना, मौसम इज सो मच टीटो पार्टी वाला कि दिल ही नहीं किया उसे सुनने को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से मैंने सुना नहीं। अब ज़रा माहौल, खैर कलियाँ तो अभी पड़ रही हैं, लेकिन अब 5-6 घंटे हो गए, माहौल हमने जी लिया, तो अब मेरा टाइम से आया कि जो मुझे दिखे, जहाँ तक मेरे नज़रिए में आता है, जो मुझे दिखे तो जो उसको दिखा उसने छापा दिमाग के अंदर, और वहाँ से छाप कर सफ़े पे लिखा अपने ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ। वाह चैन के बाबा, ऊपर से चैन के बाबा रमज़ान में आ गए, हलाल फ्री स्टाइल होगा। तो खैर, जो मुझे दिखे, बिना टाइम से आया कि स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन भी देख लें नीचे ज़रा करके। ये हम खोल देते हैं, लेकिन कोई पता नहीं, अगर हमें जोड़ना पड़े तो हम नहीं दिखेंगे। तो जो मुझे दिखे चैन के, बिना टाइम जाए कि बाबा जी, यस कमांडो। मजहब के जरिए बहे खून मासूम का, क्यों ना मैं भी कानून की तरह हो जाऊं गूंगा, या कलम के जरिए मैं बदला लूं खून का, माँ बाप के बाल सब। यार ये ऐसा क्यों लग रहा है इसने, मुझे ज्यादा लगता है इसे जो मुझे दिखे, ये मेरे ख्याल से जो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। भाई पाकिस्तान के अंदर मौलवी हजरात जो हैं, जो बाहर निकले हुए हैं, और सिविल वॉर हो रही है, जैसे तुम्हें वो क्या है मार्वल की कैप्टन अमेरिका दयाल, ये उस तरह की वॉर हो रही है, और वो मज़हब पे हो रही है, और क्यों हो रही है ये ट्विटर पे तुम्हें नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। ये मैं बात बोल दूँ, मैं सनी खान दुरानी हूँ भाई, हम सीधा सीधा बोल देते हैं, हम ऐसे ही हैं, ये गलत चीज़ है, मैं इसके साथ ख़िलाफ़ हूँ। दोनों अपने ही बंदे हैं और मारे जा रहे हैं, और बेतुका मारे जा रहे हैं। ये एक्सट्रीमिज़म बहुत कुत्ती चीज़ है ब्रो, इससे जितना बच सकते हो बचो, मैं सच बोल रहा हूँ, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये जो भी हरकतें कर रहे हैं, तुम लोगों को समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे कुछ भी नहीं होगा। मोहब्बत ना हम सबके अंदर है उनके लिए, समझ रहे हो। ये बिल्कुल जाहिलाना बात है कि जेरे कार बैठे नहीं वो इंजन, ये इसलिए कहते हैं इल्म हासिल करो, माँ बाप की बातों में ना, खुद पढ़ो, खुद पढ़, खुद कुरान खोल ले, कुछ नहीं होगा। और उर्दू में पढ़ने की कोशिश करेगा ना तो बड़ी मेहरबानी तेरी, बड़ी मेहरबानी। तो ज़रा सारे मुल्क हैं मुसलमान, ये निकले इनको भी ज़रा समझ लो, तो एक पूरा निज़ाम होता है। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, ख़िलाफ़ इस तरह कि ये एक्सट्रीमिज़म मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, कोई भी हो, पास्टर, मंत्री, मौलवी, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। एक दायरा होना चाहिए हर चीज़ का, ये मैं बोलूँगा भाई, मुझे जहाँ तक लगता है ये वही चीज़ पे करेगा। तो हाँ बहे खून मासूम का, क्यों ना मैं भी कानून की तरह हो जाऊं गूंगा, या कलम के जरिए मैं बदला लूं खून का, माँ बाप के बाल सफेद हो गए हैं, लोग सोने के पिंजरे में कैद हो गए हैं। माँ बाप के बाल सफेद हो गए हैं, लोग सोने के पिंजरे में कैद हो गए हैं, मतलब मेरे माँ बाप जो हैं बूढ़े हो चुके हैं, और अगर मैं गलत ना हूँ कि क्योंकि लोग इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क हो रहे हैं, मुल्क कह रहा हूँ, इतने तरक्की याफ्ता जा रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि, लेकिन उस तेज़ी में वो पैसे में इतना खो चुके हैं कि वो पैसों के जाल के अंदर फंस चुके हैं, अगर मैं गलत रहूं। क्यों ना कलम बेच के दे दूं बाप को गाड़ी, मैं माँ के सामने रख दूं दुनिया सारी, मैं तो क्या मजेदार बात थी कि मैं अपने कलम नू बेच के मैं चाहवा, उसका मोटिव भी है ना, एक मोटिव भी है कि मैं चीज़ नहीं करनी, मैंने वो बेहयाई और वाला सीन नहीं करना, नहीं तो मैं चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह फ्लैक्स कर सकता हूँ, और अबू को गाड़ी भी दिला सकता हूँ, क्योंकि एक माशरे के अंदर इज्जत भी होती है। इज्जत से मुझे याद है, ये डिफेंस के अंदर जो बच्चे हैं इनके अंदर कौन सा वो, आजकल मैं ज़रा शरीफाना ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कौन सा वो इंसेक्ट है जो ये घुमाते क्यों हो गाड़ी, 10 साल का तू, तेरा फेयरवेल हुआ है जो 10 साल तुझे बच्ची ने कहा है कि आई लव यू टू, और तू फिर डिफेंस में पागल हो गया, जाहिल हो तुम, अबे नहीं करा करो यार, बहुत ही तुम, एक तो अमीर हो ऊपर से बदतमीज, ये गरीबों वाली हरकतें होती हैं, ये जो गाड़ियों को यूं यूं करना, ये बच्चियों के आगे ना वो लड़कियों के आगे से गुजरना, तो बाइक करके लेके जानी, ये गरीबों वाली हरकतें होती हैं, ये हमारे करने वाली हैं, तुम लोग शर्म आती, आज मेरा शराफ, मेरी शराफत आई हुई है आज, मैं इसलिए बोल नहीं सकता कुछ। तो हाँ
कहाँ थे हम? दुनिया दीन का मुझे नहीं मिला। हाँ, कि माँ बाप को मैं चीज़ें ला के दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी अयाशी कर सकता हूँ बहुत इजीली, लेकिन मैंने नहीं करनी क्योंकि मेरा कलम इस चीज़ के लिए नहीं है, इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता मुझे। माँ के सामने रख दो दुनिया सारी। क्योंकि माशरा इसी तरह ना ब्रो, माशरे को तो लोग होते हैं कि इसके को पास कुछ है नहीं, किचन के अगर मसाला खड़ा हुआ है उसके हाथ में अच्छी चीज़ें नहीं है, अभी तो खैर अपनी सारी चीज़ें पहन के बैठा हुआ है मर्च वगैरह, तो चीज़ें नहीं होगी तो माशरा कुत्ता करता है बंदे को, तो उसके ऊपर ये बोल रहा है। मैं दुनिया दीन का मुझे नहीं मिल रहा बैलेंस, चंद तेरी पे कितनी कितना बैंक बैलेंस, कौन सा मोबाइल तेरा आईफोन या ओप्पो का एंड्रॉइड जिंदाबाद, बस सॉन्ग्स तेरे बोरिंग कुछ तो बना यो मो सचिन, तूने क्या देखी फला फला सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, कभी तुझे पता नहीं क्या मैं देखता नहीं सेक्स क्लिक्स बीप बीप बीप। यार इन्हें ना नेटफ्लिक्स बैन करके ही रहना है जो मर्जी हो जाए, ये भी इतना सी फ्लैक्स है भाई, जनरल बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये हमारे अंदर है ये चीज़। जॉनी तुमने वो थॉमस शेल्बी वो देखा, देखा तुमने वो देखा उस बंदे को, उसने ट्रॉफी पहन और वो शालॉक देख सुने तुम, तो ये होता है एक अंदर है ये, इसको एक ये भी कीड़ा है लोगों के अंदर, तुम्हें फंसा नहीं वो, तो वो कह रहा है कि मैं नहीं देखता क्योंकि उसके अंदर सारे सेक्स होते हैं और मैं नहीं देखता उस चीज़ को। ट्रिक्स ये दुनिया मैट्रिक्स या फिर शायद मैं मुल्ला एक्सट्रीमिस्ट, जो मुझे दिखे वो लोगों को क्यों नहीं दिखता, कौन है वो है? जो मुझे दिखे वो लोगों को क्यों नहीं दिखता, जो मुझे दिखे वो लोगों को क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता तुझे, क्यों नहीं दिखता, जो मुझे दिखे वो लोगों को क्यों नहीं। तुम लोगों ने कहना है कि मिट्टी के ग्लास में क्यों पी रहे हो, तो भाई हमारे घर में पता नहीं क्यों बोला, मुझे नहीं पता, इस चीज को गलत ना समझना बस है, मुझे नहीं पता दिखता। गुनेगार मैं गुनाह करके पके सर, मैं फरिश्ता नहीं जिसके लगे पर प्यार में, मेरी बोली माशू का बोली चले कर, अल्लाह से ज्यादा लोगों से मुझे लगे डर, लैपटॉप कैमरे पे मेरे टेप लगे, आई फील लाइक कुछ लोग, लैपटॉप मेरे कैमरे पे टेप लगे, आई फील लाइक कुछ लोग मुझे देख रहे, लैपटॉप मेरे कम कैमरे पे टेप लगे, आई फील, यार ये मेरे दोस्त से लगाई हुई है मुझे नहीं पता, वो कहता है कि कोई इंटेलिजेंस देख रही होती है या ऐप छैप या कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करते हो वहाँ से वो देख रहे होते हैं, मुझे इसके ऊपर इतनी नॉलेज नहीं है सच बताऊँ तो, मुझे ये सिस्टम नहीं है मुझे पता, लेकिन शायद वो यही कह रहा है मेरे लैपटॉप पर कैमरे पर टेप लगे, मुझे टेप लगे कि शक्ल ना देख रहे हो, तुम्हारी आवाज़ भी जा रही होती है जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मोबाइल है मैं उसके कैमरे में भी है ना, ऐसा ही है ना, मुझे बताएं लैपटॉप कैमरे पे मेरे टेप लगे, अभी लाइक कुछ लोग मुझे देख रहे, ये भूल गए आदम हव्वा ने सेब चखे, कुछ को ना देख ले तो नादिर ने फेंक लगे, आदम अलैहिस्सलाम और हवा वो तो समझ गए, सब भी समझ जाएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ब्रो, वो बताने वाली थोड़ी है, मतलब हिंदू हो मुस्लिम हो इतना मशहूर वाक्य दुनिया जानती यार, मतलब नाम सुने हुए हैं हमने बचपन में यार, इस तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको जोर कैसे रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रही, यार ये गाना है लोग मुझे देख रहे, ये भूल गए आदम हव्वा ने सेब चखे, कुछ को ना देख ले तो नादिर ने फेंक, कहा गया था कि नहीं खाना उन्होंने खा लिया, उनको सजा मिली, सजा के तौर पर दुनिया में आ गए, तो फिर आगे ये बात क्या करनी चैनके को कि थोड़े गुनाह कोई देख ले तो इन्हें ये फेक लगे, क्या ये कंपेयर कर रहा है गुनाहों के हिसाब से, मतलब इस तरह, मतलब नहीं नहीं उस हिसाब से नहीं, तुम लोग गलत ना सोचो ना कि मैं अब मैं वो बोल भी नहीं सकता यार, बस ठीक है। इस मुनाफिक को रब ने इनाम दिया, मशहूर सा मैं रब ने मुझे नाम दिया, नाम के साथ इल्जाम कुछ मुझ पे, दोस्त मेरे मुझे फिल्म करें छुप छुप के, वहम बारी बारी मेरे सच होते जा रहे हैं, कब से मजहबों की कब्र खोदे जा रहे हैं, ढूंढते ओ मेरा खुदा ये मजेदार लाइन थी यार, जा रहे हैं कब से मजहबों की कब्र खोद, कब से मजहबों की कब्र खोद, जा रहे ढूंढते क्यों नहीं जवाब ये सवाल का, फोन लगे मेरा मुझे रूप दज्जाल का, जो मुझे दिखे वो लोगों को क्यों नहीं दिखता, ये जो मुझे दिखे वो लोगों को क्यों नहीं दिखता, जो मुझे दिखे वो लोगों को क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता तुझे, क्यों नहीं दिखता, जो मुझे दिखे वो लोगों को क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता। अच्छा भाई एक सीन में आगे देख लूँ या कुछ है तो नहीं, अच्छा
तो यार एक तो छोटा ट्रैक था और मैंने शायद तुम्हें बोला कि नहीं बोला शुरू में, ये शायद उसी चीज़ के ऊपर है यार जो उसने रिसेंटली अभी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, तो उसी के ऊपर से ट्रैक बनाया पूरा, जो अपने मुल्क के अंदर चीज़ें हो रही हैं जो उसको नज़र आई, दो चार चीज़ें उसने और ऐड करके डाल दी हुई हैं। कहीं ना कहीं वो मैंने उस चैनके को देखा कि पिछली अपनी चीज़ों की गवाहियाँ भी दे रहा है, जैसे लोग उसको मुनाफिक कहते हैं या ऐसी चीज़ें बोलते हैं कुछ गुनाह देख कर, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि की कहते हैं उन्होंने टैटू शैटू देख ले यार। यार मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इन चीज़ों में ना ज़्यादा ना पता है कि अपने काम से काम रखो, दुनिया का बड़ा अच्छा मोटिव है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मैंने ना अभी ये 3-4-6 दिनों के अंदर मैंने 14 से लेके जितने 16-17 साल के और 17 साल से ऊपर जितने भी हैं ना जो 25-26 तक जाते हैं, और अगर वो बात करते हैं तो वो तो फिर है ही ना, समझ रहे हो, जो 14 से लेकर 17 मैंने सबको ब्लॉक किया, वो चाहे वो यूट्यूब पे हो या इंस्टा, मैंने वीडियो में रमजान में गाना सुन रहे हो भाई, तुम यहाँ पे अपनी मामा को देखने आए हो, मैं मेरे साथ ना बदतमीजी नहीं, तो मैं ये जो कि जैसे चैनल के कोई बोल रहे थे टैटू है ये है वो, यार ये चीज़ें ना किया करो, अपनी ज़िंदगी से काम रखो, हर बंदा ना ताटे ले नहीं बैठा है, ठीक है ना। तो आजकल बस जमान पे थोड़ा हमने अपने किया हुआ लागू, लेकिन नहीं तो मैं बताऊँ फिर तुम लोगों को आके, मैं नाम ले रख के रखता लेकिन वो नहीं, तो मैं जितने भी है ना ये जितनी कोशिश मैं सिर्फ यही बोलूँगा इस गाने के अंदर इस ट्रैक से सीख के कि यार अपने काम से काम रखो। जैन उन बात कुछ लोग ना चैनकी के ऊपर बहुत फजूल इल्ज़ाम और फजूल हरकतें कर रहे होते हैं, एक हद तक ठीक था, मैं तो भूल भी जाता हूँ इन चीज़ों को यार, कि मतलब अजाब थोड़ी है, ये अपना ही बंदा है। लोग ना कुछ अजीब अजीब बातें कर देते हैं, और मुझे पता है इसके ऊपर जो 200 डिसलाइक हुए हैं इनमें से जो 100 होंगे वो रमज़ान में साले अपने अब्बू को देखते तो पुला ला आके मैं दूध मारे सुनते हो, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इनसे बचा करो इन लोगों से, और अगर दोस्त भी है ना तुम्हारे इनसे कम मिला करो, क्योंकि ये आगे बढ़ने नहीं देंगे, फसूल फसूल बातें करते हैं, इनको पता किसी चीज़ का भी नहीं, ना ये पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं, ये पूरे रमज़ान में पूछ लो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया ना, मैं भी कोई अच्छा नहीं हूँ, लेकिन कुछ जो असूल मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ वो दूसरों पे भी लागू करता हूँ, जो उनके ऊपर होते हैं वो अपने भी लागू करता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसने बोला कि वही हिप हॉप के अंदर जो फाशी कर रहे हैं और फ्लैक्स मार रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, मौलवियों का जो सीन चल रहा है उसके ऊपर उसने बात की, जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है इस वक्त उसके ऊपर उसने बात की, अपने ऊपर उसने बात की कि लोग मेरी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के कहीं ना कहीं बोल रहे हैं। 2 मिनट का मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का मेरे ख्याल से गाना था, कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि जो मौलवी वाला इम्पैक्ट था, जो एक्सट्रीमिज़म पे उसने जो टॉपिक छेड़ा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है जब सनी खान दुरानी भी बात करते हैं। सनी खान दुरानी मेरे लिए चैन के से बहुत ऊपर है, मैं सॉरी बुरा ना बनाना, बस मेरे लिए है वो बंदा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो बंदा। तो उसी तरह इसने भी ये टॉपिक को छेड़ता है और अच्छा करता है, ताकि इससे लोगों के अंदर और यूथ के अंदर पहली तो बात है खौफ निकलेगा, डर ख़त्म होगा, और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की हिम्मत पैदा होगी। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये हिंदुइज़्म में भी जो एक्सट्रीमिज़्म बैठे हुए हैं, भक्त जिसे कहते हैं या कुछ, और जो पास्टर हैं ये वगैरह, ये बुरे लोग नहीं हैं, इनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं ब्रो, तुम्हें पता नहीं है, ये नीयतों का खेल होता है, लेकिन मेजॉरिटी एक्सट्रीमिज़्म वाली होती है। एक्सट्रीमिज़्म को बेसिकली मैं सपोर्ट नहीं करता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई नफरत करता है खुल के बोल रहा हूँ, मैं तो आऊँगा किसी अगली वीडियो में, मुझे अच्छा लगा ब्रो। और मुझे बस वो बता देना कि यार वो हज़रत आदम वाला उसने कनेक्ट, बस वाकई तो मुझे समझ आ गई उसने कनेक्ट कैसे किया, वो नहीं मेरे को समझ आया, मैं तो आऊँगा किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी, यस कुमार।